नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। और आज की दोस्तों क्लास में बात करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल परीक्षा के लिए यहां पर एक 27 नवंबर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड पेपर लेकर आए हैं। और आज का लेवल काफी अच्छा रहेगा इस क्लास का, तो बिल्कुल आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा। और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आज की क्लास है बहुत ही शानदार, खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने इस क्लास को, आइए देखते हैं। शुरुआत करेंगे रीजनिंग से दोस्तों। आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, ज्यादा लेवल आपका टफ नहीं रहेगा। तो देख सकते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। यदि प्लस का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब क्या है माइनस है, तो प्लस का मतलब हो गया आपका माइनस, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो माइनस का मतलब आपका मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड हो गया, और डिवाइड का मतलब प्लस है, तो डिवाइड का मतलब प्लस है। तो ये आपको दिया गया है, आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको बताना है कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए यहां पर आपको माइनस दिया गया है, आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, जहां पर डिवाइड है यहां पर आपका प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लाई है जहां पर, यहां पर आपका डिवाइड हो जाएगा, और यहां पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले करेंगे डिवाइड, तो 5 × 2 = 10 आपका 2 बचेगा, नीचे -2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका खत्म हो गया। अब आपका केवल ये बचा है 25 × 50, तो आपका मेरे प्यारे दोस्तों सही जवाब क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से 50 आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब होगा आपके यहां से 50। चलिए अब आगे आज का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए। डॉन, यदि डॉन को लिखते हैं 3, 4, 5 के रूप में कोडवर्ड किया जाता है, रोम को लिखते हैं 6, 4, 1, 2, तो रैंडम को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आप लोग बताइए। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों आप लोग को यहां पर बताना है कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपका क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है रैंडम। तो दोस्तों यहां पर आपका आर है, आर का नंबर आपका कितना है 6 है, तो यहां पर आपका 6 नंबर पे आ जाएगा ए। देखिए ये आपको ए दिया गया है, ए आपका 1 नंबर पे आ रहा है तो आपका 1 आ जाएगा। एन देखिए, डॉन में एन है आपका, एन एन आपका 5 नंबर पे दिया गया है तो आपका 5 आ जाएगा। फिर आपका डी 3 नंबर पे है, ओ 4 नंबर पे है, और एम रोम में आपका एम है 2 नंबर पे है, तो आपका सही जवाब होगा 615 342। तो 615 इसमें नहीं है, 615 342 ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। चलिए आज का दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइएगा। तो दोस्तों आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 शब्द युग्म जो है किसी प्रकार से आपके एक समान है और 1 शब्द युग्म आपका असमान है, तो असमान शब्द युग्म का चयन कीजिए, तो क्या होगा आपका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए छेनी मूर्तिकार, कागज पुस्तक, निहाई लोहार, चिकित्सक की छुरी यानी कि स्कैपल, ये आपको दिया गया सर्जन, तो क्या होगा आपका सबसे अलग आंसर ये आपको बताना है। तो हेलो एवरीवन, बाकी लोग कितने गए आज, आज की क्लास है बहुत ही शानदार, जानदार, मजेदार। तो अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज आग लगा दीजिएगा वीडियो में, आज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो अब की बार दिल्ली पुलिस पार हो जाइए बिल्कुल तैयार। तीसरे क्वेश्चन का होगा आपका सही जवाब यहाँ से ऑप्शन बी है, कागज पुस्तकें, ये आपका अलग है क्योंकि मूर्तिकार के पास छैनी उसका हथियार है, लोहार की बात करेंगे यहाँ पर निहाई, सर्जन के पास होता है आपके यहाँ से चिकित्सक वाली छुरी, तो सबसे अलग होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब आगे आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों इसको देखिए, भारत और सपना, दो लोग आपके हैं भारत और सपना, ये पति और पत्नी है। आइए दोस्तों आपको बता दें, यहां से क्वेश्चन पहले पढ़िए फिर आपको समझाएंगे आप लोग कैसे लगाएंगे। भारत एंड सपना आर हस्बैंड एंड वाइफ, रोहित एंड भारत आर ब्रदर्स, सुरेश इज द फादर ऑफ रोहित, सपना सन इज क्रिस, हाउ इज क्रिस रिलेटेड टू सुरेश। तो आप मुझे बताइए जो क्रिश है आपका ये सुरेश से किस प्रकार संबंधित होगा, आइए आपको बताते हैं। तो दो लोग आपके हैं, एक है भारत, तो भारत और सपना,
तो भारत और सपना की अगर हम बात करेंगे, ये दोनों आपके पति पत्नी हैं, ठीक है ना। तो ये आपस में हो गए, आपके हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, तो ये हस्बैंड हो जाएंगे, आपकी वाइफ हो जाएगा। अब देखिए रोहित और भरत, ये भाई है, तो भरत का भाई कौन यहाँ पर दिया गया, रोहित दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये भाई हो गया, ओके, क्योंकि रोहित और भरत भाई है। सुरेश रोहित के पिता है, तो रोहित के पिता दोस्तों कौन हो जाएंगे, सुरेश हो जाएंगे, सुरेश हो जाएंगे रोहित के पिता हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, सपना का एक लड़का है कृष्ण, सपना का दोस्तों एक लड़का कौन है, कृष्ण ने दे रखा है, ये लड़का है सपना का, कृष्ण दे रखा है, ओके। आप लगाइए सुरेश से किस प्रकार, जो कृष्ण है कृष्ण, ये सुरेश से किस प्रकार संबंधित होगा। दोस्तों ये इन दोनों का पिता है और ये इनका सुपुत्र है, तो लड़के का लड़का मतलब कौन होगा, ग्रैंड सन यानी कि पोता, ओके। दोस्तों ये कौन हो जाएगा यहां से, तो ये जो आपका कृष्ण है सुरेश का कौन होगा, पोता होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड सन। क्लियर हो इतनी बात, तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से ग्रैंड सन आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड, क्या बात है, सुपर। स्वाति, कन्हैयालाल, प्रकाश जी, यहाँ पर जितने भी लोग क्वेश्चन में लगा रहे हैं ध्यान से लगाते रहिए, आज की क्लास बहुत ही मजेदार रहने वाली है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग कीजिएगा। अब आप लोग देखिए उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति आपकी छिपी हुई है। तो पहले आपकी दोस्तों ये लाइन इस तरीके से जा रही है, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे जा रही है, ओके दोस्तों। तो इस तरीके से आपका डिजाइन आपका कहाँ दिया गया है, चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा ये आप लोग को बताना है, तो आप लोग मुझे बताइए कि आपका यहां से राइट आंसर आखिर क्या होगा, चलिए बताइए। बिल्कुल दोस्तों आपने सही बताया, ये वाली जो आपकी आकृति यहाँ पर बनेगी, तो ये दोस्तों बनेगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग यहाँ पर यह आकृति बनेगी, और ये है आपका ऑप्शन ए। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से ए आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास, सही जवाब होगा आपके यहाँ से ऑप्शन ए। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए 17 17 से आपका आ रहा है यहाँ से 106 आ रहा है, ठीक है। तो 23 से आपका क्या होगा, देखिए 17 6 102, तो 23 के 6 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 102 आएगा, तो ऐसे ही आप 23 के 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 138, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसको देखिए, एक वर्गाकार कागज आपको दिया गया है, सभी को क्लियर दिख रहे हैं यहां पर, तो एक वर्गाकार कागज को मोड़ा गया है और नीचे आपका दर्शाए के अनुसार काटा गया है, तो कागज को खोलने के बाद वो कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। देखिए तो दोस्तों आपके यहां पर कट लगा ना, पर एक ये कट है, ये कट है, अच्छा इसमें सिंगल कट है, गलत, सिंगल कट गलत, सिंगल कट गलत, आधा कट इधर आ रहा है। इसमें दोस्तों अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका डबल कट आएगा नीचे, ये डिजाइन इधर भी है, इधर भी है, ऊपर नीचे हर तरफ है, और बाकी दोस्तों रही बात इस कटिंग की, तो ये कटिंग कंप्लीट होगी इधर, ये कंप्लीट होगा और ये हाफ दिया गया है। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, क्या बात है दोस्तों, जिस क्लास में यहां पर जिन लोगों का भी आंसर बी आ रहा है, वेरी गुड क्लास, सुपर। प्रकाश चौधरी, प्रियंका गौतम, अनुपम नजराना, करुणा पीके, ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको बताइए दोस्तों, क्या कोई है क्लास में जो काउंट कर सकता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। चलिए हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि इस दी गई, नीचे दी गई आकृति में आपके टोटल कितने ट्रायंगल होंगे, तो आप लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कीजिए। मैंने एक आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखा रखी है, आज हम शॉर्टकट ट्रिक को फॉलो करेंगे, कैसे देखिए आप लोग काउंट कीजिए कि इसमें कितने ट्रायंगल आपके हैं, ओके। चलिए तो आप सभी को बताना कि टोटल आपके ट्रायंगल कितने होंगे, देखिए 1 2 3 4, 4 × 8 ट्रायंगल तो इसके अंदर हो जाएंगे, सेम आपका दोस्तों 1 2 3 4 8 ट्रायंगल आपके इसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है ना, 8 ट्रायंगल ये हो गए, बाकी दोस्तों हमारा 1 2 3 है, बड़ा बना 4 ट्रायंगल इसके अंदर होंगे, 4 ट्रायंगल आपके ये भी हो गए, समझ में आ गया आपको कैसे, ये आपका एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और एक कंप्लीट काउंट करोगे आप लोग इस तरीके से पूरा वाला आ जाएगा, और एक ये इधर वाला, तो 4 और 4 ये हो गए, समझ में कितने हो गए आपके, 8 8 16, 4 4 8, 8 3 24, तो अब मेरे जो ट्रायंगल आ गए 24 आ गए,
अब इसको देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और एक ये कंप्लीट ट्रायंगल आपका हो जाएगा यहाँ से, ये कंप्लीट वाला और हमारा दो आपके ये दे रखे हैं, तो इसमें मेरे पांच हो जाएंगे, तीन और एक और एक ये, तो तीन दो पांच ट्रायंगल आपके ये हो गए, इसको भी आप लोग जोड़ लीजिए, तो 24 पांच कितना हो जाएगा आपका, पांच और तो 29 आ जाएगा, आप 29 काउंट कर लिए। अब दोस्तों दो ट्रायंगल आपके एक्स्ट्रा वाले होंगे जो आपके वर्टिकल बन रहे हैं, बाकी तो मैंने सारे काउंट कर लिए, अब दो ट्रायंगल मेरे अलग बन रहे हैं, कौन से वाले बन रहे हैं देखिए, एक ट्रायंगल मेरा सबसे अलग बनेगा दोस्तों ये वाला, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा और सेम दोस्तों एक ट्रायंगल मेरा ये रह गया था ये बन जाएगा, दो ट्रायंगल आपके ये हो गए, तो 29 और दो कितना हो गया 31 हो गया। तो इस क्लास में जिनका भी आंसर 31 आ रहा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया दोस्तों। साथियों अगर आपका आंसर यहाँ पर 31 बना रहा है बिल्कुल राइट होगा। संध्या, काजल, रीना, विपिन ठाकुर द्वारा, हरिकेश, ऋतिक, नजराना, सभी लोग ध्यान दीजिए, सही जवाब होगा आपका यहाँ से 31। क्या बात है, वेरी गुड, शानदार मजेदार जवाब दिया आप लोगों ने। अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिया गया है, तो दोस्तों चलिए आप लोग बताइए क्या आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए तो आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों आज का अगला क्वेश्चन आप लोग को यहां पर दिया गया है, आप सभी को बताना है कि सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए, निम्नलिखित चार अक्षर समूह में से तीन अक्षर समूह जो है किसी प्रकार से आपके एक समान है और एक आपका जो है असमान है, तो असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए, बताइए। देखिए अब मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। चलिए आपको बताते हैं आपका इसमें क्या लॉजिक अप्लाई होगा। देखिए और बताइए कि इन चारों विकल्पों में से आपका सबसे अलग क्या होगा। देखिए क्यू आर एस, ओके, दो स्टेप आगे बढ़े, क्यू आर एस, ओके, दो स्टेप आगे बढ़े, एस के बाद टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो आप लोग सात स्टेप आगे बढ़े, दो सात, ठीक है ना। बी वाले में आप लोग देखिए यहां पर के एल एम एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, सात हो गया, दो और सात हो गया इसमें भी। अब सी वाले में आप लोग देखिए यहां पर दो ओ पी क्यू आर एस टी यू बी, पांच, तो ये सबसे अलग हो गया, बाकी दो सात इसमें भी होगा, तो बाकी सभी मेरा लॉजिक है 2/7 का, लेकिन यहां पर लॉजिक है मेरा 2/5 का, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग यहां पर बताइए। दोस्तों यदि सन को लिखते हैं नस, टॉप को लिखते हैं पॉट, तो फुर को क्या लिखेंगे, इसका आप लोग बताइए कि इस कोड में आपका अंतिम अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों चलिए आप लोग बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर आपका होगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है। तो पढ़ाई पर आप लोग ध्यान दीजिए और प्लीज अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास में आज सुनामी आ जानी चाहिए बिल्कुल यहाँ पर, अगर आपके सीनों में लगी हो आग तो बस आ जाओ हमारे पास, एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे ऐसे दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे गए। और हालांकि अभी जो मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, आज मैंने चार पेपर अलग अलग लिए हैं, रीजनिंग मैं अलग करा रहा हूँ यहाँ पर, कंप्यूटर आपके लिए अलग रहेगा, जीके तो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है, और बात करेंगे मैथ की, उसका लेवल भी काफी अलग रहेगा, टफ रहेगा। आइए देखते हैं, सन को लिखते हैं एस यू एन, इसको लिखेंगे नस, तो एस यू एन उल्टा कर दीजिए आप लोग, एन यू एस आ जाएगा, एन यू एस आ जाएगा, बात खत्म हो गई। टॉप को लिख दिया पॉट, टी ओ पी, तो पी ओ टी, ऐसे आपको देखा एफ यू आर, तो इसका आपका हो जाएगा आर यू एफ, यही तो आपका आएगा एफ यू आर आर यू एफ, तो अंतिम अक्षर क्या आएगा, तो अंतिम अक्षर मेरा यहाँ पर एफ आएगा कि नहीं आएगा, तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा एफ, समझ में आ गया आपको। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से एफ आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे आगे, इसको आप लोग यहां पर बताएगा। देखिए दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वैन आरेख का चयन कीजिए, खिलाड़ी, संगीतकार, विद्यार्थी, और आप लोग बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। देखिए कोई भी विद्यार्थी आपका गाना भी गा सकता है, आप लोग खुद को देख लीजिए। अब आप लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो गाने भी गा लेते होंगे आराम से, चाहे वो बाथरूम सिंगर क्यों ना हो, और वो खिलाड़ी भी होंगे, चाहे वो मैच खेल लेते हो या कोई भी खेल तो उन्हें आता ही होगा। तो ऐसे में आपका जो कॉमन वाला रहेगा ना, जिसमें तीनों चीजें आ रही हो, तो ये आपका डी वाला हो जाएगा। ओके, इसमें एक खिलाड़ी का हो गया, एक संगीतकार का हो गया और एक विद्यार्थी का हो गया,
समझ में आ गया आपको? तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब आपको यहां पर बताना है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। बाकी लोग कितने रह गए आज, आज क्लास में बहुत कम लोग दिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, एक एक चीज मैंने आपको बताई है, बिल्कुल फोकस कीजिएगा। 5, 9, अगला स्टेप क्या आएगा, फिर आपका है 29, फिर आपका दिया गया 45। तो दोस्तों चलिए आप लोग बताइए कि आपका यहां से राइट आंसर क्या होगा। देखिए 5 है, ठीक है ना, फिर आपका 9 है, यहां पर आपको निकालना है, यहां पर आपको 29 दिया गया है और फिर आपका 45 है। ओके, अब दोस्तों देखिए आप लोग यहां से 5, 5, 4, 9, ठीक है ना, 5, 4 आपका 9 हो जाएगा, इसका तो पता नहीं यहां पर, लेकिन 29 और 45 का बीच का देखिए आप लोग, तो यहां पर आपको 16 दिया गया। तो देखिए एक चीज आप लोग देखिए, 4, 4 × 8, 4 × 3 = 12, समझ में आ गया दोस्तों आपको, 4 यहां पर 8 कर ले रहे, यहां पर 12 कर ले रहे, अब चेक करिए आप लोग, तो 5, 4, 9, 9 और 8 कितना होगा, 9 और 8 दोस्तों यहां से आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा, ठीक है ना, 17 आपका यहां पर आ जाएगा, और 17 में जब 12 जोड़ेंगे, 7, 2, 9, 1, 1, 2, 29 आ जाएगा और इधर 45 आ जाएगा, बस समझ में आ गया आपको। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 17। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका आंसर यहां से आ रहा है 17, बिल्कुल राइट होगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग बताइए। आप लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में लूडो खेला होगा, पासा एक होता है, पासा, पासे में 6 फलक होती हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, तो पासे में आपकी 6 फलक होती हैं। तो आज आपको दोस्तों क्या बताना है, अगर संख्या 4 आगे है, अगर संख्या 4 आगे है तो उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। चलिए मेरे प्यारे मित्रों आप लोग बताइए, देखिए 4 की अपोजिट निकालना है आपको, तो 4 यहां पर दिया गया है और तो कहीं है नहीं, अब यहां पर आपका 1, 6 है और इसमें तो कुछ बन नहीं, तो हटाइए इसको, अब इसमें आपका 1 मिला, इसमें आपका 1 मिला बस, तो हम सेकंड वाले में और थर्ड वाले में या तो क्लॉकवाइज जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाए, यहां पर या तो हम लोग यहां पर क्लॉकवाइज जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाए, तो मैं जा रहा हूं यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 से 6, 6 से 4, तो 1 से 6 लिखा, 6 से 4 लिखा, ऐसे हम लोग यहां पर भी जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो 1 से 2, 2 से 5, 1 से 2, 2 से 5, तो 4 अगर ऊपर है तो नीचे मेरा क्या आ गया, तो नीचे मेरा 5 आ रहा है, 4 के नीचे 5, 6 के नीचे 2 बचा गया आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बचा, तो 3 मेरा यहां पर आ जाएगा, 3, समझ रहे हैं आप लोग, तो 3 इसकी जगह पर आ जाएगा, 4 के पीछे 5 होगा, 6 के नीचे 2 होगा और 1 के पीछे 3 होगा, तो हमें निकाला 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ओके, तो मेरे प्यारे मित्रों जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया साथियों। तो अगर आपका क्वेश्चन यहां पर आ रहा है बिल्कुल राइट 5, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। आज जीके का लेवल आपको बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए दोस्तों, जीके का दोस्तों कुछ लेवल आपका ऐसे रहेगा, आज का लेवल जो आपका रहेगा आपका नॉर्मल लेवल यहां पर है, नॉर्मल लेवल, बहुत इजी लेवल आपका नहीं है, आज का लेवल आपका नॉर्मल रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग बताइए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द जो है किसको निर्दिष्ट करता है, ए बी सी या फिर डी, तो आप लोग मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा। और सभी फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्या वो दोस्तों यहां से बहुत कम लोग आए हैं, नहीं 31 ही आ रहा है, मैं चेक कर लूंगा। सत्यम सिंह जी ट्रायंगल 33 आ रहे हैं सर, ओके मैं देख लूंगा, फिलहाल तो मैंने बहुत देखने के बाद ही आपको बताया उसका आंसर 31 है और SSC ने भी उसका आंसर 31 ही बताया है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, पंचायतन, पंचायतन एक प्रकार की मंदिर रचना शैली है, पंचायतन तो क्या है, अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में स्थित श्री व्याडेश्वर मंदिर जो है इस शैली का आपका एक बहुत ही श्रेष्ठतम उदाहरण है। तो आपको यहां पर बता दें, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र,
क्या दोस्तों? आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं, यहां पर नोट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जो स्थित आपका जो मंदिर आपका है, श्री, ध्यान दीजिएगा पर, श्री ब्याडेश्वर, श्री ब्याडेश्वर जो आपका मंदिर है, ठीक है ना। तो ये जो आपका मंदिर है, ये इस शैली का बहुत ही श्रेष्ठतम उदाहरण है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आपका श्री ब्याडेश्वर मंदिर, श्री ब्याडेश्वर मंदिर जो है इस शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायतन। आप बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए। मेरे प्यारे मित्रों, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन यानी कि डिसाइफर किसने किया था? जॉर्ज बोर ने, जॉर्ज बुलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर हो जाएगा, या फिर आपका होगा विलियम जोन्स। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, सम्राट अशोक के राज आदेशों का विकूटन में सबसे पहले सफलता हासिल की थी, सबसे पहले 1837 में आपके जेम्स प्रिंसेप ने। ओके, तो सबसे पहले आपका सही जवाब क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप होगा। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले आपके इसका जो विकूटन किया था, एडिट किया था, ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अब आगे आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, तो अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? दोस्तों क्या आप लोग यहां पर जानते हैं, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान जो है संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो पांचवें क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करेंगे यहां पर राइट आंसर की, तो आपका सही जवाब क्या होगा? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ओके दोस्तों, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। तो स्वदेशी और बहिष्कार का संघर्ष और विरोध की विधियों के रूप में पहली बार इसका उपयोग जो है बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के दौरान किया गया था। ओके, और लॉर्ड कर्जन द्वारा, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, यहां पर लॉर्ड कर्जन, एक नाम हमेशा याद रखिएगा आप लोग, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई, कब दोस्तों आपका? जुलाई 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन ने आपका जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया 7 अगस्त 1905 को लॉर्ड कर्जन ने, जुलाई 1905 यहां पर डेट है। ओके, एक एक बात मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। मेरे प्यारे तमाम साथियों, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया था? रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज अंडरटेकन। ओके, मैं देख लूंगा उसको, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा सभी लोग। तो सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है आपका गोदावरी और कृष्णा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब होगा आपके यहां से ऑप्शन बी वाला आंसर। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया नीम कोटेड यूरिया का उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी। तो क्या होगा आपका सही जवाब, ये आपको बताना है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है नीम लेप, देखिए तो नीम लेप जो होता है मिट्टी में, नीम लेप आपका जो है मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो जब सामान्य अमोनिया का प्रयोग किया जाता है तो वह अमोनियम कार्बोनेट में परावर्तित हो जाती है, और इनमें से कुछ यूरिया आपका अमोनियम गैस में भी परावर्तित होता है, जिसे अमोनिया बाष्पीकरण कहते हैं, जिसे अमोनिया बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग यहां पर बताएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको देखिए,
कि आप लोग यहाँ पर जानते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मैं देख पा रहा हूँ आज क्लास में बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, तो बाकी लोग आज कितने रह गए? देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने, आग लगा दो क्लास में दोस्तों, इतना सपोर्ट करो आप लोग ताकि मैं डेली बेस पर मैं आपको डेली आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा पाऊँ, ठीक है? देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? क्या आप लोग को याद है? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, किसने दोस्तों यहाँ पर, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 में राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में लंदन में भेजा था। तो आपका सही जवाब होगा अकबर द्वितीय ने। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, चलिए मेरे प्यारे मित्रों आप लोग यहाँ पर बताइएगा। देखिए, अलग अलग ऋतुओं में, दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान से, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए टाइम टेबल के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो नाइन्थ क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, ठीक है ना? तो आप लोग ये तो जानते होंगे कि दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता का जो कारण है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव के साथ सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन का कारण है, जिसे ऋतु परिवर्तन के साथ ही दिन की अवधि में भी परिवर्तन होता है, ठीक है? तो आपके जो पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे, तो ये अगर हम बात करें यहाँ पर 23.5 डिग्री यहाँ पर झुकी हुई है। तो बिल्कुल दोस्तों इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, कितना आपका 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है, इसी कारण आपका दिन और रात होते हैं मौसम परिवर्तन होने के साथ ही साथ। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइएगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां क्या हो? बताइए ए, बी, सी या फिर डी, क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू, बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो आपका सही जवाब क्या होगा, जहां पर आपकी गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं, जहां पर आपकी गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं, दोस्तों एक तरफ आपकी दोस्तों ये गर्म धाराएं हैं, ये गर्म वाली हो गई, ये आपकी ठंडी हो गई, तो जहां पर दोस्तों ये दोनों मिलती हैं, जहां पर आपकी जो है ये गर्म और शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं, तो बस उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं आपके मत्स्यन क्षेत्र, यहां पर आपको मछली मिलेगी। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, आपके एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है? देखिएगा मेरी बात को, ध्यान सुनिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा ठीक है सत्यम सिंह जी, सर क्लियर हो गया है, ट्रायंगल 31 ही होंगे, मैं ऐड में मिस्टेक कर रहा था। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान से आप पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं, आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए क्लास को, और ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो कम से कम दोस्तों क्लास में आप लोग 500+ तो आप लोग रहिए, ठीक है ना? चलिए, भारत के संविधान में आपकी जो 5वीं अनुसूची है और जो आपकी 6वीं अनुसूची है, तो इसके उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? चलिए बताइए आप लोग। तो 11th क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा, बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल्स फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। तो भारत के संविधान के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? बताइए, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर आपका होगा यहां से फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए समझिए ध्यान से, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे ना दोस्तों, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन आपका था यहां पर, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, संविधान के भाग चार में, सुनिएगा, संविधान के भाग चार में आपको दिया गया है नीति निर्देशक तत्व। तो आपका राइट आंसर पहली बार तो क्या होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा, और इनकी प्रकृति के बारे में हमारे जो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 37 कहता है कि यद्यपि से
यद्यपि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दोस्तों ये जो आपके हैं न्यायालय के द्वारा, आपके न्यायालय द्वारा ये आपके जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी देश के प्रशासन में मूलभूत समझे जाएंगे, राज्यों का कर्तव्य होगा कि वो इसको लागू करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताएंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं यहाँ से कि निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, डिप्थीरिया है, चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता है, चेचक आपका स्मॉल पॉक्स है, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उपयुक्त में से कौन जो है किस रोग या फिर किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है। देखिए अगर हम बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत की, तो भारत में दोस्तों किन किन रोगों का उन्मूलन हो चुका है, चलिए बताइए आप लोग। देखिए 14 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिया गया है केवल 3 दिया गया है, क्योंकि अप्रैल में, अप्रैल 1977 में, दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें आप लोगों को याद नहीं होगा, अप्रैल 1947 में हमारे प्यारे देश भारत को चेचक से, ओके ना, चेचक से मुक्त कर दिया गया यहाँ पर अप्रैल 1947 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि मैं कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा तो अब आप नोट कर लीजिएगा। जबकि दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर अभी फरवरी 2000 में यहां पर गिनी वर्म से भारत को जो यहां पर आपको दिया गया है गिनी वर्म, तो ये एक बीमारी है गिनी वर्म, तो इससे रोग मुक्त देश को घोषित किया है। और अभी 27 मार्च 2014 को WHO ने हमारे प्यारे देश भारत को पोलियो मुक्त देश भी घोषित किया है, पोलियो मुक्त देश भी घोषित किया है, ठीक है। 2000 में गिनी वर्म और 2014 में पोलियो से भी मुक्त किया जा चुका है। अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइएगा। दोस्तों अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही होगा। पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि भारत में मुद्रास्फीति का जो नियंत्रण है केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। और तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि घटा हुआ मुद्रा परिचालन यानी कि मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। और चौथा पॉइंट आपको यहां पर दिया गया है कि बढ़ता हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा, तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों आपको बता दें आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। समझ में आ गया दोस्तों यहां से, तो बिल्कुल दोस्तों सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, आपकी जो गवर्नमेंट है और जो आपकी RBI है तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक क्रमशः अपनी राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण का प्रयास करते हैं, तो ए और बी दोनों आपका गलत हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका यहां से ऑप्शन सी। क्लियर हो गई इतनी बात, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग यहां पर सपोर्ट कीजिएगा। अब रुपए की बात करेंगे। दोस्तों क्या आपने कभी इस बात पर जोर दिया कि जो आपका रुपया है तो रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है, रुपए की आपकी कन्वर्टिबिलिटी से क्या तात्पर्य है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लेस एम्पायर्स, आपका राइट आंसर क्या होगा, रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, रुपए के मूल्यों को बाजार की शक्ति द्वारा निर्धारित होने देना, या फिर रुपए को अन्य मुद्राओं में या अन्य मुद्राओं को रुपए में परावर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, या फिर आपका ऑप्शन डी होगा, चलिए बताइए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। देखिए अगर हम बात करेंगे यहां पर 16 क्वेश्चन की, तो आपको यहां पर दिया गया है ऑप्शन सी है, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसी एंड वाई वर्स, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा, तो रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परावर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, इसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। चलिए अब आगे आज का अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों आप लोग बताइएगा।
दोस्तों क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं, अगर मान लीजिए आपका आज एग्जाम होता है, बहुत सारे लोग क्लास में, करीब करीब 2000 लोग 3000 लोग आए, आज आप देखिए दोस्तों कंपटीशन कितना टफ होने वाला है इस दिल्ली पुलिस का, आप देख लीजिए खुद। आज इस क्लास में 3000 लोग आए, 3000 लोगों में से केवल 372 लोग बचे हैं। तो दोस्तों यकीन मानिएगा, जो हमारी क्लास को बिल्कुल एंड तक देखेगा, हर एक क्वेश्चन को समझेगा, तो फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके हो ही जाएंगे, क्योंकि आपको मैथ, रीजनिंग, प्रीवियस ईयर के पेपर और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, करंट अफेयर सब कुछ हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको इस बार दिल्ली पुलिस सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए है, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको मिलेगी, ये सफलता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। ओके चलिए, 19 क्वेश्चन है आपके सामने, अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा। किसी देश का भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसका व्यवस्थित अभिलेख है? चलिए दोस्तों आप लोग यहां पर बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर हम बात करेंगे 19 क्वेश्चन की, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑल इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली अ ईयर। चलिए खैर अब बढ़ेंगे सीधे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, आप लोग यहां पर देखकर बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए लाइकेन, नाम सुना होगा आपने लाइकेन का, ठीक है ना, तो लाइकेन जो एक आपका नग्न चट्टान पर भी, दोस्तों क्या आप लोग ये जानते थे कि जो आपका लाइकेन है, लाइकेन जो एक आपका नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में ये किनके सहजीवी सहचर्य है? शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक हो जाएगा, और जीवाणु और कवक होगा, या फिर कवक और मांस हो जाएगा। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है 20 क्वेश्चन का, बिल्कुल आपने सही बताया, यहां से ऑप्शन बी है शैवाल और कवक। ओके तो दोस्तों जिनका भी आंसर शैवाल और कवक आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, कोल्ड चैम्बर, ध्यान दीजिएगा, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। आपने देखा होगा यहां पर कि ठंडों में आप कोई भी फल उठा रख दीजिए, ठंडों में फल गलते नहीं है, चलते हैं लंबे समय तक। गर्मियों में देखिए, गर्मियों में उठा के रखिए, सड़ जाएगा फल आपका। तो कोल्ड चैम्बर में जो स्टोर फ्रूट होते हैं ये लंबे समय तक चलते हैं, क्यों, ऐसा क्यों है? तो 21 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? शीत कोष्ठ में भंडारित अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि तापमान गिरने के साथ श्वसन की दर भी कम हो जाती है, क्योंकि अगर तापमान कम होगा ना तो श्वसन की दर भी जो होगी कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। ओके बिल्कुल, जिससे क्षमता कम हो जाएगी, और इसी कारण जो है फ्रीज में आपका कोई भी खाना पानी है, आपकी चीजें रखी हुई खराब नहीं होती हैं। तो ऐसे में आपका सही जवाब होगा रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे हम चीजों को रखते हैं ठंडी जगह पर, तो जब चीजें ठंडी होती हैं तो उसकी श्वसन दर, उसके रेस्पिरेशन की जो रेट होती है, रेटिंग होती है, वो कम हो जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सड़ेगी नहीं। तो सिंपल सी बात, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, तभी तो आप उठा के चीजों को फ्रीज में रखते हैं, नहीं तो आप खुले में रख देंगे। अब आगे है हमारा आज का अगला क्वेश्चन, मिनिमम कम से कम दोस्तों तैयारी कीजिए आप लोग 85 प्लस के, और 85 प्लस लाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जीके में दोस्तों आपको 40 प्लस 45 प्लस आएगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथ में बिल्कुल सुपर फर्राटा है गति, रीजनिंग में गति एकदम चौकस है, उन्हें प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ और सिर्फ जीके में। मैं उनको जानता हूं, 15 में से 15 नंबर ले आएंगे मैथ में, 25 में से 25 नंबर उनके कहीं नहीं गए रीजनिंग में, कंप्यूटर में भी वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत उन्हें आता है, तो कंप्यूटर में भी वो कहते हैं कि मेरे 7-8 नंबर आ जाते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम आ रही है जीके में। अब इस बात का दोस्तों यहां पर जो प्रॉफिट ले जाएगा, इस बात का फायदा अगर आप उठाना चाहते हैं, तो जीके में आपको तैयारी करनी पड़ेगी 40 प्लस या 45 प्लस की। जो 40 प्लस 45 प्लस ले आया उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो बस आपको जीके पढ़नी है बिल्कुल ध्यान से। मैं भी दोस्तों जीके की बहुत सारी क्लास करा रहा हूं, एक नहीं दो नहीं, जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान, आप उसको देखिए, आपकी जीके की क्लास दो अलग से चल रही है आप उसको देखिए, मैं पेपर करा रहा हूं आप इसको देखिए,
बहुत सारी मैं जीके की क्लास करा रहा हूँ, बाकी मैंने किताबें भी आपको सजेस्ट की हैं, आप उसको पढ़िए, क्योंकि फिर आपका जीके में 40 प्लस तो कहीं नहीं गया, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा, यहां पर एक एक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? चलिए, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा, ध्यान से देखिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, परितंत्र में आपका फूड चेन, परितंत्र में आपका फूड चेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? बताइए, अपघटक जीव कहलाते हैं विषाणु कवक या फिर जीवाणु। तो आपका सही जवाब क्या होगा इसको बताइए। देखिए दोस्तों, 23 क्वेश्चन की बात करेंगे तो अपघटक, आइए आपको बता दें, ये जो शब्द आप कह रहे हैं यहां पर अपघटक, ये क्या है? अपघटक जीव वे होते हैं जो प्रिया उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं। ओके, तो जो आपके उत्पादक और उपभोक्ताओं, ओके दोस्तों, जो आपके उत्पादक और उपभोक्ताओं, इनकी मृत्यु के पश्चात जब ये मर जाते हैं यहां पर, इनके पश्चात इनके शरीर का अपघटन करते हैं, तो ऐसे जीवों को आपके यहां पर क्या बोलते हैं, यहां पर अपघटक जीव कहते हैं। तो इसमें आपका क्या क्या आता है, तो आपको मैं बता दूं यहां से, इसमें आपका आता है कवक और आपका बैक्टीरिया, जबकि जो वायरस होता है, वायरस आपका मृत होता है, ये एक्टिव तभी होता है जब बॉडी के अंदर जाता है, तब तक ये मृत अवस्था में है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, अब आज का अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, देखिए निम्नलिखित राज्यों में से, दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, निम्नलिखित राज्यों में से किस में या किन में आपका सिंह पुच्छी यानी कि लायन टेल्ड बानर मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? सही उत्तर का चयन की तरफ बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। हम भी दोस्तों बिल्कुल आपके साथ हैं, हमने दोस्तों यहां पर कहा था आप लोगों से कि आप रिट्वीट कीजिए, ओके, हमने ट्विटर पर भी पोस्ट डाल दी है और इस मिशन में हम आपके साथ हैं पूरा। जितने भी दोस्तों यूट्यूब पर चैनल है, जितने भी आपकी अकेडमी है, वो सारी अकेडमी आप लोगों के साथ खड़ी है, आप रिट्वीट कीजिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूं यहां पर हम आपके साथ हैं। मैंने भी यहां पर रिट्वीट कर दिया है और हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों ने भी जो है ट्विटर पे जाकर ट्वीट कर दिया है। तो बस आप लोग करते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए, ये आंदोलन दोस्तों आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए इस आंदोलन में, क्योंकि मैं जानता हूं यहां पर हम सब अब एक हो चुके हैं, तो हमारी आवाज सरकार तक पहुंच चुकी है और मैं जानता हूं वो सुनेगी भी जरूर। अगर मान लीजिए ये हमारा आंदोलन सफल हो गया, अब मेरी बात को सुनिएगा, यहां पर आप ये टीचर अकेडमी जितने भी यहां पर आंदोलन में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं इन सबके साथ खड़ा हुआ हूं बराबर, लेकिन अगर ये आंदोलन सफल हो गया, सरकार ने हमारी सुन ली, तो फिर दोस्तों हमारा पेपर अगर 2 महीने बाद, अगर 3 महीने बाद सरकार ने कह दिया चलिए मैं कराता हूं, तब आप लोग क्या करेंगे? तो 1 मिनट का या 2 मिनट या 10 मिनट, आप अपने 10 मिनट निकालिए, ट्वीट कीजिए जाकर, क्योंकि इस समय डिजिटल स्ट्राइक चल रही है, आप ट्वीट कीजिए, लेकिन पढ़ाई करना बंद मत कीजिएगा, ओके? तो आंदोलन कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना बंद करें, आप पढ़ना लिखना बंद कर दें, पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ जाएं, क्योंकि अगर बात हमारी मान ली गई तो पेपर अगर आपका हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? तब कहेंगे नहीं अभी तो हम आंदोलन कर रहे थे, ठीक है ना, अब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम और चाहिए होगा। तो पढ़ाई जरूर कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, आंदोलन भी करते रहिए, समझ में आ गया आपको? इसलिए मैं कह रहा हूं मैं आपके बराबर साथ खड़ा हूं, लेकिन पढ़ना मत छोड़िए आप लोग। चलिए 24 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। सही जवाब होगा आपके यहां से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। आज का अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आप लोग यहां पर बताएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पौधे के उदाहरण है? कुछ पौधे आपके ऐसे पाए जाते हैं, खूब भालो मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कुछ पौधे ऐसे पाए जाते हैं जो कीटों को अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसे पौधों को बोलते हैं मांसाहारी पौधा। तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या होगा? तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है आपका सैंड्रियो वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ये तो मैंने आपको पहले बताया था पिचर प्लांट होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर।
अब दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग बताइए, आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की घटना के कारण जो निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? सूर्य प्रकाश का विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ओके। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा आपका, सूर्य प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो दोस्तों आकाश में होने वाला अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त सूर्य प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, ये आपका सूरज हो गया, ये आपका सन हो गया। अब मेरी बात को समझिएगा, और ये दोस्तों आपका वैक्यूम है, भी यहां पर वैक्यूम चल रहा है, निर्वात है, तो धीरे धीरे आपका ये लाइट हमारी आ रही है, ये हमारी अर्थ हो गई, यहां पर मान लीजिए यहां पर ये अर्थ हो गई। तो यहां से यहां तक आने दोस्तों क्या हो रहा है, प्रकाश का तो अपवर्तन हो रहा है, एक कई सारी लेयर हमारी पड़ी हुई है, तो इन सबको जो हमारे यहां पर अपवर्तित करते हुए यहां पर आ रहा है ना, अभी तो नीचे तक आ पा रहा है, तो ये क्या होगा आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। ओके दोस्तों, तो आपका यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, किताब का नाम की वीडियो मैंने बना रखी है, आप YouTube पर सर्च कीजिएगा, दिल्ली पुलिस बेस्ट बुक, दिल्ली पुलिस बेस्ट बुक BSA, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा जाकर। अमन जी, अमन जायसवाल, मिस्टर अमन ध्यान दीजिए, दिल्ली पुलिस बेस्ट बुक BSA सर्च करेंगे YouTube पर आपको मिल जाएगी, आप वीडियो देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने कि तापन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाष्प उसी तापमान के जल से अधिक प्रभावकारी क्यों होता है? ऐसे में आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो दोस्तों 28 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा, वाष्प में अतिरिक्त ऊष्मा होती है जिसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है, आपका बी आ रहा है, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर होगा आपका, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा इसको कहते हैं। अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग यहां पर बताइए दोस्तों, क्या आप लोग यहां पर जानते हैं, अब मेरी बात को यहां पर ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आज का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग यहां पर बताइए, ये रहा आज का क्वेश्चन आपके सामने, देखिए जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? ओके, तो आपका सही जवाब होगा यहां से यकृत होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां बताइएगा, भारतवर्ष के कुछ भागों में भूगर्भीय जल के उपभोग से दांत आपके कर्बुरे और अस्थि जो है हड्डियां हमारी ये क्षति रोग उत्पन्न करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इस रोग के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड आयन, आपका दोस्तों यहां से फ्लोराइड आयन हो जाएगा, और आपका क्लोराइड आयन हो जाएगा, ऑक्साइड आयन हो जाएगा, या फिर आपका होगा कार्बिड आयन हो जाएगा। इसमें कॉमन टॉपिक आपके रहेंगे, ठीक है ना, इसमें आपके मोस्टली जीके में कॉमन टॉपिक रहेंगे, हालांकि करंट अफेयर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और मैंने करंट अफेयर के बारे में आपको बता दें करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चन, चलिए मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं और जो मैंने सॉल्व करवाया, 15 से 20 क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो रहते हैं आपके करंट अफेयर के रहते हैं, बाकी करीब आपके 30-35 क्वेश्चन आपके जीके रहते हैं। अब जीके में दोस्तों क्या कर रहता है आपका, जीके में आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, आपके हिस्ट्री आपकी आएगी एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन आपके इसके रहेंगे, आपके एग्जाम पॉलिटी आएगी, ओके ना, पॉलिटी रहेगी, इसके भी पेपर में आपके करीब करीब 2 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के, 2-3 क्वेश्चन मिले मुझे मुश्किल से। साइंस दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन करीब करीब यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपके साइंस के भी मिलते हैं इसमें आपको, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर 4-5 करीब करीब 10 क्वेश्चन तक मैंने यहाँ पर देखे पेपर में साइंस के रहते हैं। हिस्ट्री के आप लोग मुश्किल मान के चलिए आप लोग का एवरेज रहता है 2 से 3 क्वेश्चन का, पॉलिटी के भी तो करीब करीब 2 से 4 या 5 क्वेश्चन आपके रहते हैं पॉलिटी के रहते हैं, साइंस के करीब 4 से 10 का एवरेज बना रहता है यहाँ पर, बाकी आपका स्पोर्ट के क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर, स्पोर्ट आएगा, और आप लोग की डिस्कवरी दोस्तों जो खोजे नहीं होती खोजे, डिस्कवरी के क्वेश्चन आप लोग के रहते हैं, आविष्कार वाले इन्वेंशन रहते हैं यहाँ पर, तो यही सब कुछ पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा स्पेशल चीजें नहीं आएंगी, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है
आप अगर इतना पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका बाहर चला जाएगा, क्योंकि मैं तो खुद ही यहाँ पर एक एक चीज देख देख के आपको पढ़ा रहा हूँ, और बाकी आप लोग खुद भी बहुत पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर रखा आप लोगों ने, एक तो आप महान है ही है और हम आपको और बना रहे हैं, तो बस ध्यान से पढ़ते रहिए। तो 30 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? फ्लोराइड आयन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बात करेंगे कंप्यूटर की। दोस्तों कंप्यूटर का लेवल ज्यादा टफ नहीं रहने वाला है और इसमें बेसिक नीड वाले क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, फंडामेंटल क्वेश्चन रहेंगे, फंडामेंटल आएगा, और मैं आपको यहाँ बता दूं आपका डीबीएमएस रहेगा, डीबीएमएस से सॉफ्टवेयर क्वेश्चन आएंगे, और आपका आएगा एमएस ऑफिस। बाकी आप लोग का फंडामेंटल में आपके इनपुट आउटपुट और प्रिंटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब फंडामेंटल में ही आपका आ जाता है, समझ गए आप लोग? तो अब मेरी बात को समझिएगा, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे मित्रों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, तो चलिए दोस्तों मुझे आप लोग बताइए कि कंप्यूटर में आपके जो है फंडामेंटल मेमोरी को आप लोग क्या कहते हैं, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 81 क्वेश्चन की, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? क्लास की टाइमिंग के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हाँ बिल्कुल आपने सही बताया, यहां से तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है रोम, रोम का मतलब आपका होता है रीड ओनली मेमोरी, ओके, तो ये परमानेंट मेमोरी होती है और कंप्यूटर सिस्टम बंद होने के बाद भी ये इरेज नहीं होती है, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों ये आपकी जो है यहाँ पर कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद ये अपने आप इसका डेटा नष्ट हो जाता है, तो ये आपकी जो है परमानेंट मेमोरी है और ये है आपकी टेम्परेरी। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग यहाँ पर बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आपका नॉन वॉलेटाइल स्मृति का एग्जाम्पल है? नॉन वॉलेटाइल दोस्तों क्या आपको यहाँ पर याद है कि नॉन वॉलेटाइल में आपका क्या होगा? कैश मेमोरी होगा, रैम होगा, रोम होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? क्या लगता है आपको यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, बताइए, ए बी सी या फिर डी? बहुत बार मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है, अब तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आपके सुमित सर जो है कंप्यूटर के एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा रहे हैं और ये सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, तो 82 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों आपको बता दें, ऑप्शन सी होगा आपका रोम। रोम को बोलते हैं आप लोग नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जो आपकी परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट बोल लीजिए, नॉन वॉलेटाइल आप लोग बोल लीजिए। क्या हुआ? हेलो एवरीवन, एनी प्रॉब्लम आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम यहां पर हो रही है? अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? ये दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, ये मेरी हैबिट ही है, ठीक है ना अक्षत माथुर जी, ठीक है ना? तो ये कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, जो आप समझते हैं कि मैं आपको ओवर एक्टिंग से पढ़ा रहा हूं, ये नॉर्मल ही है, ठीक है ना? तो 83 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सुपर कंप्यूटर, ठीक है? तो आप लोग मैनेज कीजिए, यहां पर आप लोग को भी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, आप नए हैं तो आपको लगेगा, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको लगेगा ऐसा। अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग आपकी है माइनस का 1/4। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपकी है 0.25 की। समझ में आ गया आपको? माउस क्या है? मेमोरी, सीपीयू, इनपुट डिवाइस होगा या फिर आपका आउटपुट डिवाइस होगा? तो आपका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है आपका इनपुट डिवाइस, बिल्कुल राइट होगा, माउस आपका इनपुट डिवाइस है। देखिए दोस्तों, जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इनपुट कहलाती है, और कंप्यूटर से हमें जो इंस्ट्रक्शन मिलता है, जो आउटपुट मिलता है आपका, जो भी रिजल्ट मिलता है, तो रिजल्ट जिस पर मिलता है वो आपका आउटपुट कहलाता है। तो आपका माउस क्या है? माउस आपका इनपुट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इनपुट बताइए, इनपुट क्या है? प्लॉटर, प्लॉटर में आपका प्रिंट होकर बाहर निकलेगा तो ये आउटपुट हो गया, प्रिंटर, प्रिंट होकर पेपर बाहर आएगा तो ये हो गया, मॉनिटर आपको चीजें दिखेंगी बाहर आ रही है, लेकिन स्कैनर, स्कैनर में आपने पेज लगाया और पेज आपका जो आपने लगाया हार्ड कॉपी जो थी, हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी आपकी सॉफ्ट कॉपी में बदल गई, तो स्कैनर आपका क्या होगा? स्कैनर आपका यहां पर होगा एक इनपुट डिवाइस, बाकी एवरीथिंग इज आउटपुट डिवाइस, यहां पर आपको दिया गया जितने भी चीज आपके यहाँ आउटपुट है, बट स्कैनर आपका क्या? इनपुट है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों क्या आप लोगों में से कोई ये जानता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है? चलिए बताइए,
माउस, माउस इनपुट है, लाइट पैन, कीबोर्ड, वीडियो। देखिए माउस हो गया आपका, ये लाइट पैन जिसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है यहाँ पर, क्योंकि इसे मैं लिख रहा हूँ तो ये अंदर जा रहा है यहाँ पर। कीबोर्ड भी आपका इनपुट है, लेकिन वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ओके, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, आपका सही जवाब क्या होगा 86 क्वेश्चन का, आपका सही जवाब क्या होगा, वीडीयू हो जाएगा, वीडियो डिस्प्ले, फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। अच्छा दोस्तों, आज आप, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आप इसको बताएगा। आपकी टच स्क्रीन, दोस्तों आपके मोबाइल में टच स्क्रीन है ना, टच स्क्रीन, तो TOUCH, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन दोस्तों आपका क्या है, ये आप लोग मुझे यहां पर बताएगा। अगर मैं बात करूंगा टच स्क्रीन की, तो टच स्क्रीन क्या पर उसका इनपुट है, इनपुट डिवाइस है, या फिर आपका आउटपुट है। दोस्तों क्या क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बता सकता है कि जो आपकी टच स्क्रीन है ये इनपुट है या फिर आउटपुट है, बताइए। चलिए इसका जवाब कमेंट करके बताएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं कैसे। ठीक है दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप कैसे जो है इसको डिफाइन कर पाएंगे, द टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज, तो आपका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग मुझे बताइए। नहीं दोस्तों, यही तो आप गलती कर रहे हैं, जो आपकी टच स्क्रीन है यहाँ पर, तो ये आपका इनपुट डिवाइस भी है और आपका आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि टच करते हो आप लोग, टच करने पर आपने कोई डेटा उसको इंस्ट्रक्शन दिया, तो टच करने पर आपका इंस्ट्रक्शन गया, लेकिन आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आउटपुट के रूप में, वो भी तो इसी स्क्रीन पर आता है, तो टच स्क्रीन आपका क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। तो अगर आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी है, टच स्क्रीन, क्योंकि जब चीजों को टच करोगे तब वो चीज आपकी इंस्ट्रक्शन आपका अंदर जाता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट, जब वो चीज ओपन होती है, तो वो दिखाई भी तो आपको उसी स्क्रीन पर देगी ना, तो टच स्क्रीन आपकी जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल आपने सही बताया, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब आगे आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखिए 87 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आपका सही जवाब क्या होगा, कनेक्टिविटी और हार्डवेयर। तो सूचना प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, चलिए मेरे प्यारे मित्रों आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, मॉनिटर आपका आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर आपका आउटपुट। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका आ गया है बहुत ही कंफ्यूजन वाला आ गया क्वेश्चन, लेकिन अब हमारा जो मॉनिटर है, मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये तो टोटली मेरी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन हम कह सकते हैं कि टच स्क्रीन हमारा भैया इनपुट भी है, आउटपुट भी है, तो इस बार मैंने इसको इनपुट में काउंट कर लिया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन आ जाएगा। समझ में आया, अब दोस्तों ये क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो दिमाग की बत्ती उड़ा देते हैं यहाँ पर। अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, मेरे प्यारे दोस्तों इसको आप लोग यहाँ पर बताइएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका नहीं है। तो दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं यहाँ से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओके, सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके फ्रीवेयर वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका नहीं है। दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, तो ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका नहीं है। बाकी क्रोम, लाइनक्स, ओपन ऑफिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, फिर से किसी को क्लास में कोई प्रॉब्लम आ गई है? चलिए, प्लॉटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर नहीं देखा आपने, प्लॉटर आपका होता है प्रिंटर की तरह होता है, जैसे प्रिंटर पे आपके छोटे छोटे पन्ने निकल आते हैं, प्लॉटर पे बड़े बड़े फ्लैक्स निकलते हैं, तो प्लॉटर भी एक तरीके का आपका प्रिंटर ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपके प्लॉटर यहाँ पर लगा हुआ है, इस पर बड़े बड़े फ्लैक्स छपाई होती है इसकी, ठीक है ना, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिए, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए अब ले चलते हैं आप सभी को आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग यहाँ पर बताएगा। दोस्तों एक वेब पोर्टल आपका है डेकनेट, डेकनेट ये किससे रिलेटेड है, ई एग्रीकल्चर से है, ई कॉमर्स से है, ई बिजनेस से है, या फिर आपका होगा यहाँ से ई लॉजिस्टिक्स से है। चलिए दोस्तों बताइए। हाँ तो बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, 90 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा आपका, ई एग्रीकल्चर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका ई एग्रीकल्चर होगा,
तो ये थे आपके कंप्यूटर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब दोस्तों जो मैं बात करूंगा यहाँ से वो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर मैथ की। तो मैथ से डरने वाले तमाम साथियों पूरी दुनिया में दोस्तों जितने भी लोग हैं सभी लोग आ जाइए, क्योंकि अब पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे आज मैं उन प्रश्नों का विश्लेषण करूंगा, डीएनए टेस्ट करूंगा, एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर तह तक जाएंगे और इसको पूरा खोल खोल कर यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आपके अंतर्गत आ सकती हैं। तो कैसे इन प्रश्नों को आप लगा सकते हैं बड़ी ही आसानी से, आइए जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका सही जवाब क्या होगा। तो प्लीज मेरे प्यारे मित्रों वीडियो को लाइक और शेयर करना कतई मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आइए देखते हैं। चलिए आप लोग के सामने क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, कल से मैं टाइमर भी लेके बैठूंगा यहां पर, पता नहीं इसमें टाइमर वाला ऑप्शन है भी या नहीं है, इसमें टाइमर वाला ऑप्शन अभी नहीं, कल से मैं टाइमर भी लगाऊंगा यहां पर, कोशिश करूंगा ताकि आप लोग कम से कम टाइम में क्वेश्चन को लगा सकें, ठीक है ना। चलिए बताइए, देखिए एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया जाता है तो आयतन क्या होगा। आयतन में त्रिज्या 3 बार आती है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आयतन में त्रिज्या आपकी आती 3 बार। तो गोला होता क्या है, ये गोला है, गोले का आपका आयतन क्या होता है 4/3 πr³ होता है। लेकिन आज आपको सब कुछ भूल जाना है, मेरी एक बात आपको याद रखनी है कि r आपका 3 बार आता है, r कितनी बार आ रहा है आपका 3 बार आता है बस। तो गोले के व्यास को कितना बढ़ा रहे हैं 140% बढ़ा रहे हैं, तो हम लगाएंगे सक्सेसिव मेथड। इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे सक्सेसिव मेथड अप्लाई करेंगे, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो 140, 140, 140 ये आपका आर हो गया, ये आपका आर हो गया, ये आपका आर हो गया, बस आप इसमें सक्सेसिव मेथड अप्लाई कीजिए और दो दो करके अप्लाई कीजिए। पहले आप इसमें लगाइए इन दोनों में, तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये मेरा फॉर्मूला होता है। आइए लगाते हैं 140 + 140 + 140 × 140 / 100। ओके, तो जीरो से आपका जीरो कट गया, ये जीरो से आपका जीरो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, 4, 4, 8 और ये 280 हो जाएगा, प्लस 14, 14, 196 हो जाएगा। इनको आप लोग जोड़ लीजिए, आप लोग 6, 9, 9, 18, 17, 4, 2, 3, 4, 476 आ गया। तो इन दोनों का मेरा कितना आ गया यहाँ पर 476 आ गया, कितना आ गया 476 आ गया। अब मेरा तो एक ये बचा, एक ये बचा, अब आप इन दोनों पे भी अप्लाई कीजिए सक्सेसिव मेथड, आप इन दोनों पे भी दोस्तों अप्लाई कीजिए सक्सेसिव मेथड अप्लाई कीजिए। देखिए आप कैसे लगाएंगे, 476 + 140 + 476 × 140/100, बस सिंपल सी बात है, जीरो जीरो काट दिया, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और इधर आप लोग जोड़ लीजिए। तो इधर मेरा आ जाएगा ऐसे 6, 7, 4, 11, 5 + 1, 6, 6 से 16 आ जाएगा। और इधर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, और नीचे आपको 10 भी दिया गया, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 6, 6, 6, 4 और 10 है नीचे तो पॉइंट आ जाएगा 4। अब आप इनको जोड़ लीजिए, तो पॉइंट 4 आपका अलग कर दे रहे यहाँ पर 6, 6, 12, 6, 7, 8, ओके 8 आ जाएगा 18, 6, 6, 12, ओके। तो मेरा सही जवाब होगा यहाँ से 1282.4%। तो टोटल कितना वृद्धि हो जाएगी यहाँ से, आपका सही जवाब होगा 1282.4% वृद्धि हो जाएगी। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है ए, बिल्कुल राइट होगा। ये मेथड कब समझ में आएगा, अब मेरी बात को समझिएगा, दो चीजें होती हैं। अब दोस्तों ये मेथड की अगर हम बात करेंगे इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। दो बातें याद रखिएगा, एक होता है आपका क्षेत्रफल यानी कि एरिया, और एक दोस्तों आपका होता है आयतन यानी कि वॉल्यूम। लेकिन मेथड तो मेरा एक ही है ना, चीजें दो हैं, मेथड एक है, मेथड मेरा क्या है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है, यही तो हमारा होता है। लेकिन दोस्तों क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल में आपकी दो चीजें आती हैं, एक तो आपकी लंबाई होगी, एक आपकी चौड़ाई होगी। लेकिन आपका जो आयतन होता है ना, आयतन, आयतन में आपकी 3 बार चीजें आती हैं, एक इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। तो हमने जो फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला मेरा केवल दो चीजों पर अप्लाई होता है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये केवल दो चीजों पर अप्लाई होता है, ये वाला फॉर्मूला आपका केवल दो पर अप्लाई होगा, दो चीजों पर, ठीक है ना।
लेकिन इसमें आपके तीन दे रखी है, तो तीन के लिए क्या करें भैया? हमारा जो शॉर्टकट ट्रिक है वो केवल दो पर लग सकती है, लेकिन यहां पर तीन दी गए तो दो दो करके लगाएंगे। पहले इन दोनों पर अप्लाई करेंगे और एक जब मान आ जाएगा तो उस एक मान को अलग रखेंगे साइड में, और फिर तीसरे वाले के साथ उसको अप्लाई करेंगे। दो जब दो बन जाएंगे तब जो आप लोग लेकर आएंगे सक्सेस मेथड अप्लाई करेंगे तो वो आपका आंसर होगा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताएगा मेरे प्यारे मित्रों। चलिए दोस्तों अब इसको देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन लगा पाएंगे? आज का क्वेश्चन बहुत ही आसान रहने वाला है, इसको देखिए। 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, केवल 15 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल 15 में से 15 नंबर आप लोग लाओगे। बस आप इन सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए 3x माइनस 1 का होल ऑफ क्यूब प्लस 4x माइनस 3 का होल ऑफ क्यूब प्लस 2x प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब बराबर 3x माइनस 1, 4x माइनस 3, 2x प्लस 1, और आपको दिया गया है कि x बराबर आपका 1/3 नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा बताइए, क्या होगा आपका सही जवाब? हाँ, आज का जो मैं पेपर आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये पेपर मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। और यहाँ पर जो आपको दिया गया इस पेपर में दोस्तों, ये पेपर की जो डेट आपकी है, पहले तो ये पेपर सीजीएल वाला है, आज मैथ के क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ, और ये पेपर आपका 10/6/2019 का पेपर है, शिफ्ट थर्ड का पेपर आज मैं करा रहा हूँ यहाँ पर मैथ का, ओके। सीजीएल का पेपर है, ऑनलाइन टीयर 1 का एग्जाम है, लगाइए। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप लगाओगे बाय ऑप्शन, तो बाय ऑप्शन आप लोग इसको ट्राई कीजिए। 54 क्वेश्चन, आप दो उठाइए, दो यहाँ पर दो रख लीजिए यहाँ पर, तो 3 × 2 = 6, 6 में से गया 5, 5 का क्यूब लिखिए, 5 का क्यूब प्लस इसको देखिए यहाँ पर, 4 × 8, तो 8 में से 3 घटाइए आप लोग, 5 बचेगा, 5 का क्यूब प्लस 2 × 4 और 1 × 5, 5 का क्यूब, ये आपको दिया गया बराबर 3, ब्रैकेट में आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 × 6 आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, ओके ना, और 4 × 8 यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, ओके। और फिर आपको यहाँ पर दिया गया 2x + 1, तो 2 × 4 = 5, यहाँ पर ही 5 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, उस यहाँ पर इधर भी आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपको क्या दिया गया है, ये 5 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, सिंपल सी बात आपको याद रखिए ना, तो 3 बार आपका यहाँ पर आ जाएगा 5 का क्यूब, और यहां पर आपको रखा 3 बार रखा 5 का क्यूब, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपको दिया गया है राइट हैंड साइड, तो आपका सही जवाब क्या होगा, 2 होगा। आप ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन लगाएंगे तो बहुत समय आपका बच जाएगा, नहीं तो लगाते रहना फिर आप लोग बहुत टाइम लगेगा। अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। बस दोस्तों 5 क्वेश्चन बचे हैं आपके, 5 क्वेश्चन और बताएंगे 10 मिनट के अंदर, फटाफट से आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 की स्पीड से चलती है, और रुकने के साथ उसका जो एवरेज आपका 56 है, तो रेलगाड़ी जो है औसतन प्रति मिनट कितने मिनट रुकती है, तो इसको लगाने की शॉर्टकट ट्रिक क्या है? अब मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझिएगा, देखिए इसको लगाने का तरीका क्या है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। तो आपको रुकने का बताना यहां पर कितने मिनट रुकती है, तो मेरा फॉर्मूला होता है आपका एक्स डिफरेंस वाई अपॉन में एक्स इंटू में आपका 60 आ जाएगा, क्योंकि आपको निकालना है कितने मिनट निकालना है। तो अब आप इस क्वेश्चन को लगाइए, एक्स डिफरेंस वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में 60, ठीक है ना, तो एक्स दे रखा 70, वाई आपका दे रखा 56, तो हम क्या करेंगे 70 − 56, ओके, नीचे मेरा बचेगा 70, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो यहां पर कितना बचा, आप 70 में से 56 को माइनस कीजिए, आपका 14 आ जाएगा, ओके। तो मेरा 14 ऊपर बचा, नीचे 70 मल्टीप्लाई बाई हमारा 60 आ जाएगा, 14 × 5 = 70, 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 12 मिनट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका आंसर यहां पर 12 आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से 12 आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग बताइए दोस्तों, समझ में आ गया आपको? चलिए मैं कमेंट पर नजर डाल देता हूं यहां पर, ऋषभ, राहुल, शैलेंद्र सिंह, राजा, अर्चना कुमारी जी, सर ट्रेन वाले क्वेश्चन बता दीजिए, ओके, मयंक त्यागी जी, ऋषभ यादव, निकिता तोमर जी, मिस चौहान, प्रिया जंगेर जी,
और भी जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, दीपाली, रानी यादव, राहुल जी, ठीक है ना, कीर्ति डागर, मोहित, हिटलर, गौरव, शैलिंदर, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझते रहिए, मौसम योगी जी, ठीक है ना, राणा जी, काजल एंड ऑल ऑफ यू, सभी लोग ध्यान दीजिए, सभी को क्लियर हो रहा है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइए। किसी वस्तु को 15% और 10%, ओके, तो मौसम जी ध्यान दीजिए यहाँ पर, किसी वस्तु को 15% और 10% के दो क्रमिक डिस्काउंट के बाद 642.60 रुपए बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। तो मेरा अंकित मूल्य हमने मान लिया एमपी है, ठीक है ना, देखिए अंकित मूल्य मेरा एमपी है, पहले दूंगा मैं 15% डिस्काउंट, 15 का मतलब हो जाएगा 85/100 मल्टीप्लाई बाई, फिर कह रहे हैं 10% का डिस्काउंट, तो लिखेंगे 90/100, तो डिस्काउंट देने के बाद दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 642.60 रुपए हो जाएगा। बस सॉल्व कर डालो और आंसर ले आओ, आप सॉल्व कर लो और आंसर ले आओ, आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, एमपी बराबर आपका दोस्तों आ जाएगा 642.60 रुपए, 100 × 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे दोस्तों आपका बचेगा यहां से 85 × 90, 00 आपका कट जाएगा, ओके, इस 100 से मल्टीप्लाई तो मेरा ये आ जाएगा और 10 आपका और बढ़ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 642.60 और आएगा, नीचे आपका बचेगा 85 × 9, ओके, तो आप लोग इसको 9 से डिवाइड कर लीजिए यहां पर, तो कुल मिलाकर आपका आंसर कितना बचेगा, 7/1400, नीचे आएगा 85, तो कुल मिलाकर आपका राइट आंसर हो जाएगा 840 रुपए, ओके, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, 840 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, जिनका भी आंसर यहां से 840 आ रहा है, खूब भालो, बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों, बाकी लोग कितने रह गए, क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, या सब हवा में जा रहा है, हवा में तो नहीं जा रहा है, समझ में तो आ रहा है आपको। चलिए दोस्तों आज का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, तो मेरे प्यारे मित्रों चलिए दोस्तों देखते हैं कौन लगाएगा आज इस क्वेश्चन को इस क्षमा में। चलिए दोस्तों बताइए, x − 5√x − 1 = 0, x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, आइए जानते हैं। तो कैसे इस क्वेश्चन को लगाया जाए, आइए दोस्तों बताइए कि आपका 62 क्वेश्चन का आखिर सही जवाब क्या होगा, ओके, देखिए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रानी यादव जी आप भी ध्यान दीजिए, आपको भी समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से आप बिल्कुल फोकस कीजिए। अब मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग लगा सकते हैं, लगाने का तरीका समझिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर रूट एक्स से दोस्तों मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, तो आपको दिया गया एक्स माइनस का 5√x − 1 बराबर आपको दिया गया 0, तो मैं इसको करूंगा रूट एक्स से डिवाइड करूंगा, इसको भी मैं रूट एक्स से डिवाइड करूंगा, इसको भी मैं रूट एक्स से डिवाइड करूंगा, इसको भी, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं आप कैसे स्टेप बाय स्टेप को समझ सकते हैं, रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। अब आगे दोस्तों चक्कर क्या है यहां पर, देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, आपका 5 बचेगा, तो x से हमारा ये कैंसिल होगा, हमारा ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर मेरा बचेगा रूट एक्स बचेगा माइनस, ये मेरा 5 आ जाएगा माइनस 1/√x बराबर आपका 0 आ जाएगा। अब ये जो माइनस का 5 है, रानी जी आप देखिए यहां पर ये जो माइनस का 5 है आप इधर भेज दीजिए, समझ में आया आपको, तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए रूट एक्स माइनस का 1/√x आपका बराबर बचेगा प्लस का 5 आ जाएगा, तो ये मैंने एक इक्वेशन बना लिया, पर ये मेरा आ गया। अब क्वेश्चन देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो आप दोस्तों पहले स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करिए आप लोग, तो a² + x आ जाएगा, प्लस का b² − 2ab, तो 2 बचेगा और इधर आपका 25 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और ये जो माइनस का 2 आप इधर भेज दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, 25 × 2 = 27 हो जाएगा, तो x + 1/x = 27 हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमें क्या निकालना है, हमें स्क्वायर निकालना है, तो एक बार आप स्क्वायर इसका और कीजिए, तो आप इसका स्क्वायर और कीजिए यहाँ पर, तो दोनों साइड आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, ओके, तो चलिए दोस्तों करिए और बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। ओके, तो मैंने फिर से दोस्तों इसका स्क्वायर कर लिया, ये मेरा आ जाएगा 729 आ जाएगा, और मेरा ये आएगा x²
प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का टू आएगा, ये बन जाएगा। तो ये प्लस का टू मेरा जो यहां से है, इसको मैं अगर इधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के टू हो जाएगा। तो 729 में से आप दो घटाइए, 729 से दो घटाइए तो आपका कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 2 का 2 7 का 7, तो आपका सही जवाब होगा 727। तो दोस्तों अगर आपका आंसर 727 आ रहा है तो आपका सही है, नहीं तो आपका गलत है। तो ऐसे लगाते हैं प्रश्नों को, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को समझ समझ के, पूरा ओपन करके, एक एक क्वेश्चन का डीएनए टेस्ट बहुत ही बारीकियों से, एक एक चीज को समझ रहे हैं आपसे। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये है दोस्तों आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप लोग देखिए। ए और बी का अनुपात है 4:5 है, मैंने मान लिया ए का मान कितना हो गया 4 हो गया, बी का मान 5 हो गया, 4, 5 अब लगा लीजिए, 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 15, बीच में प्लस बात खत्म, 4 × 3 = 12, 5 × 2 = 10, बीच में प्लस बात खत्म। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 15 और 8 कितना होगा, 8 × 5 = 13 हो जाएगा, और 12 और 10 कितना आपका हो जाएगा, यहां से यह आपका 22 हो जाएगा, सही है ना। तो आपका सही जवाब होगा 23:22, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है डी वाला, बिल्कुल राइट होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज एबीसी और आपका यहां पर दिया गया ईडीएफ, ए बी बराबर है 5, बी सी बराबर है 8, ए सी बराबर है 10। आज मैं डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है मेरे प्यारे मित्रों, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा, इसको आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, आप लिख लीजिए यहां पर, ओके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपका होमवर्क हो गया, इसको तो घर से लगाना, ये है लास्ट क्वेश्चन आपका, लेकिन ये वाला मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट मेथड से। तो आपको क्या दिया गया, ए बी सी दिया गया, ए बी, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर आपको दिया गया ए बी सी दे रखा है, ए बी सी रखा है, तो हमने यहां बनाया, यहां पर ए बी सी बना लिया, यहां पर ए बी सी, एक दे रखा आपको ई डी एफ दे रखा है, ई डी एफ, तो ई डी एफ दे रखा है आपको। अब देखिए ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 8 और ए सी बराबर 10, 10 हो गया आपका, ठीक है ना। और आपको ए बी सी और डी एफ का रखा 9 चार्ज रखा है, इसका क्षेत्रफल आपका 9 है और इसका क्षेत्रफल आपका 4 दिया गया, 4 है इसका 9 है, तो डी एफ बता रहा है, डी एफ तो ये डी है, ये वाली लाइन हमारा, ये आपका डी है, ये आपका एफ है, तो ये भुजा निकालनी है आपको, ये एक्स का मान निकालना है आपको, समझ में आ रहा है आपको। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल 9 है, इसका क्षेत्रफल 4 है, अंडर रूट लगा देंगे, बराबर लिखेंगे हम लोग, ऐसे देख लीजिए 9/4 अंडर रूट कर लिया, ये आपका 8 है, ये आपका x है। अब लगाइए क्वेश्चन को, 9 का कितना हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा 2, ओके। तो अब आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, x आपका इधर आ जाएगा 8 × 16, नीचे 3 आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, x बराबर होगा 16/3। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप हमेशा हमारी एक एक क्लास का एक एक क्वेश्चन जब तक नहीं देखेंगे, आप हमारी अगर एक एक क्लास का अगर एक एक क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं कब कौन सा मेथड किस क्लास में कहां पर बिल्कुल फैला कर बता दूं वो कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप क्लास को देखिए, जैसे आज तो मैंने यहां पर केवल आपको इतना बताया, लेकिन जब मैं क्लास पहले करा रहा था तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन का बचपना दिखाया था कि बचपन में क्वेश्चन कैसा था, कैसे बड़ा हुआ, ठीक है ना, पूरी यहाँ पर इसकी यहाँ पर एक एक चीज मैंने आपको बताई थी, एक एक चीज आपको मैंने समझाई थी। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको घर से करके लाएगा। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।